हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरी यूट्यूब चैनल। सो पंजाब यूनिवर्सिटी के रिलेटेड न्यूज़ हैं जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो के अंत तक देखते रहिए, और अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए इस न्यूज़ को देख लेते हैं। तो सबसे पहले है कि UGC को लिखेगा PU, परीक्षा की गाइडलाइंस में किया जाए बदलाव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परीक्षाएँ टलने की संभावना कम है, लेकिन छात्रों ने भी बड़ी संख्या में PU को पत्र लिखे हैं। कहा है कि कोरोना को देखते हुए परीक्षाएँ न कराई जाएँ। तो आपको ये बता दें कि UGC की जो गाइडलाइंस है उसका बहुत ज़्यादा विरोध किया जा रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है होने बहुत मुश्किल हैं। तो PU की तरफ से भी पत्र लिखा जाएगा कि एग्ज़ाम जो है उनको कैंसिल किया जाए। तो सेकंड न्यूज़ है कि PU की वेबसाइट पर मिलेगा हर सवाल का जवाब, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास कई बार स्टूडेंट्स के एक जैसे प्रश्न आते हैं। जो सवाल एक स्टूडेंट का है वह दूसरे का भी हो सकता है, इसलिए स्टाफ से कहा गया है कि वह सवालों का रिकॉर्ड रखें और उसके ट्रांसलेट करके क्वेश्चन आंसर के रूप में वेबसाइट पर डाल दें। तो पहली बार वेबसाइट पर दिया जाएगा फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन कॉम। इस बार सारा काम ऑनलाइन स्टूडेंट्स का आना संभव नहीं है। तो अगर न्यूज़ को रीड करें तो एडमिशन के लिए पिछली बार कितनी कट ऑफ गई, इस कोर्स में कितने सीटें हैं, और तो क्या इसमें UT के लिए रजिस्ट्रेशन है, ऐसे रोजाना आने वाले सवालों का जवाब अब स्टूडेंट्स को PU की वेबसाइट पर मिल सकेगा। यूनिवर्सिटी ने अपनी एडमिशन संबंधित वेबसाइट पर फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन कॉलम दे दिया है। तो हमें भी बहुत सारे व्हाट्सएप और मैसेजेस आते हैं जिसमें पूछा जाता है कि ये कोर्स की कितनी सीटें हैं, तो इस पर कट ऑफ कितनी जाएगी। तो वो जा सकते हैं PU की वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। जो जिन स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं जो इनके बारे में पूछते हैं, उनको जो प्रोस्पेक्टस सेंड कर दिया जाता है, तो उसके रिलेटेड कोई भी और क्वेश्चन होता है तो वो आप जल्दी PU की वेबसाइट पर देख सकेंगे। सो ये थी आज की अपडेट। इसके रिलेटेड कोई भी और अपडेट आएगी तो आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।